बिस्मिल्लाह रहमान रहीम प्रोग्रेसिव मॉडल स्कूल मेन कैंपस ग्रेड 9 सब्जेक्ट जनरल मैथमेटिक्स। हमने यूनिट 7 स्टार्ट की हुई है विच इज अबाउट अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 7.5 जो कि आपके पास ज्योमेट्रिक मीन के बारे में है। 7.1 में जैसे हमने क्या स्टडी किया था, अपना फर्स्ट फोर टर्म को सॉल्व किया था। 7.2 में हमने क्या किया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लगा दिया विच इज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 7.3 में आपके पास क्या था, अर्थमेटिक मीन। 7.4 में क्या था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसमें आपके पास क्या था, ए एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस वन। और 7.5 में आपके पास क्या आ गया, ज्योमेट्रिक मीन। बहुत ईजी है, टोटली फुल एक्सरसाइज जो है आपकी टोटली एक फार्मूला बेस्ड है कि जो एक फार्मूला होगा वही आपके पास टोटल पूरा थ्रू आउट द एक्सरसाइज वो आपने सॉल्व करना होगा। तो प्रैक्टिस होती रहेगी सारे क्वेश्चंस की। इसमें से मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी आपको और 2 या 3 पार्ट जो है वो आपको मैं एज अ होम टास्क दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। अब ज्योमेट्रिक मीन आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट। अर्थमेटिक मीन तो आपके पास क्या था, सम ऑफ टू वैल्यूज डिवाइडेड बाय 2। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। क्लियर। तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 9 एंड 5। ए इज इक्वल टू 9 एंड बी इज इक्वल टू 5। तो ये आपके पास दो टर्म्स आ गई, ए और बी, दो वैल्यूज आ गई। आपने सॉल्व कर लिया 9 क्रॉस 5 45 एलसीएम ले लिया, 3 स्क्वायर 5। इसको अगर मजीद में डिटेल्स आपको सॉल्व करके बता दूं तो ये आपके पास ऐसे बनेगा 3 स्क्वायर क्रॉस 5, तो 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5। क्लियर। सेकंड पार्ट आपके पास क्या है, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 4 एंड 9। स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे, सेम एज इट इज 36 फाइंड कर ली, तो उसका आपके पास स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 6 -2 एंड -9 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, +16। 16 जो है वो अब 4 का स्क्वायर रूट है। बहुत इजी क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या है, इंसर्ट 2 ज्योमेट्रिक मीन। अब आप 7.3 में जाए, 7.4 में जाए, आप लाजमी ये लाइन देखेंगे, इंसर्ट 2, इंसर्ट 3, इंसर्ट 4, इंसर्ट 5, 6, 7, 9, ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन बिटवीन दीज नंबर। इसमें आपने क्या फाइंड करना है, इंसर्ट 2 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1 एंड 8। क्लियर। तो हमने लेट कर लिया कि आपके पास क्या था, G1, ठीक है, G1 एंड G2 जो आपके पास है, टू ज्योमेट्रिक नंबर है बिटवीन 1 एंड 8 के। क्लियर। इससे आपका सीक्वेंस क्या बन गया, 1 G1 G2 एंड 8। क्लियर। मैंने यहां दोबारा लिख दिया, आपके पास क्या, A1 A2 A3 एंड A4। क्लियर। ये G1 G2 G3 एंड G4। A1 आपके पास 1 आ गया, An आपके पास क्या आ गया, 8, और टोटल नंबर्स कितने आपके पास, 4। अब फार्मूला वही लगाएंगे आप, An इज इक्वल टू AR-1 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला जो कि आपके पास है 7.4 एक्सरसाइज। क्लियर। इसमें हमने लगा दिया फार्मूला, यहां से हम अपना आर का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे विच इज आर इज इक्वल टू 2। अब आपने फाइंड क्या करना है, जी फाइंड करना है, तो जी इज इक्वल टू ए आर, जी वन इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर। क्लियर। सेम एज इट इज G1 और G2 फाइंड कर लेंगे। G1 आपके पास क्या जाएगा, AR1 एंड G2 आपके पास आएगा AR2। तो आपके पास सीक्वेंस बन जाएगा 2 एंड 4। क्लियर। सेम एज इज पार्ट 2 विच इज 3 एंड 81। सॉल्व करेंगे आप, R आपने फाइंड किया विच इज 3, और G1 फाइंड कर लेंगे एंड G2 फाइंड कर लेंगे। क्लियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या है, इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 एंड 96। वही सीक्वेंस लिख लेंगे आप, 1 G1 G2 G3 एंड 1 एंड 16 था आपके पास, 1 = 5 A5 = 16। सिंपली आपने फार्मूला लगा दिया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, An = AR(n-1) वैल्यूज पुट करके R की वैल्यू फाइंड कर ली, इट इज 2। अब अपने G1 फाइंड करना है, G2 एंड G3 फाइंड करना है, तो रिक्वायर्ड सीक्वेंस आपने लिख दिया 2, 4, 8। सेवा के पास क्या, 2 एंड 32। ये आपका होम टास्क है, आप लोगों ने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आएंगे, विच इज इंसर्ट 4 रियल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 एंड 96। कि 3 और 96 के दरमियान आपने रियल ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने हैं।
सीक्वेंस बना देंगे आपके पास क्या आ जाएगा, 3, 1, 2, 3, 4 and 96। ये आपके पास क्या है, G1, G2, G3 and G4। क्लियर, सिंपली वही बात, A फाइंड आउट कर लिया, नंबर ऑफ कितने हैं आपके पास, रियल नंबर विच इज 6, लास्ट टर्म आपके पास क्या आ गया 96। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला फाइंड कर लिया और आपके पास R की वैल्यू आ गई विच इज 2। क्लियर, तो आपने क्या कर लिया, G1 फाइंड कर लिया, G2 फाइंड कर लिया, G3, G4 3R4 आ जाएगा, G5 3R5 आ जाएगा एंड G6 3R6 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, जस्ट आपने क्या करना है, वैल्यूज फाइंड करनी है, सीक्वेंस आपके पास आ जाएगा 6, 12, 24 and 48 आर द रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक मीन। क्वेश्चन 5 के पास क्या है, इफ द अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स आर दिस एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर आर दिस, दो चीजें फाइंड करनी है। अर्थमेटिक मीन आपके पास क्या होता है, a+b/2 एंड ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, √b। इक्वेशन सेट कर ली हमने कि अर्थमेटिक मीन इक्वल टू 5 है और ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 4 है। यहां से हमने अपनी a की वैल्यू निकाल ली, 10 = a+b, a = 10 - b, और यहां से हमने क्या किया कि दोनों तरफ स्क्वेयर अप्लाई कर लिया। जब स्क्वेयर अप्लाई करेंगे तो यहां पे आपके पास वैल्यू आ गई किसी भी एक नंबर की, ठीक है, तो वो आपने वैल्यू पुट कर देनी है अपनी फर्स्ट इक्वेशन में, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 16 = 10 - b = b, आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी 2 एंड b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8। क्लियर, इसको भी आप अपने इक्वेशन 1 में पुट करेंगे विच इज इक्वल टू a = 10 - 2, 10 - 2 पुट करेंगे तो 8 आ जाएगा और 10 - 8 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा, मीन्स दोनों के आंसर आपके पास वक्तन फवक्तन सेम आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास क्या कह रहे हैं, इफ द पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर इज 6 एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन नंबर इज 10, सेम टू सेम आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन है कि a+b/2 = 10 एंड स्क्वेयर रूट ऑफ ab = 6, इसमें से फाइंड आउट करके आपने a की निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है, दोनों तरफ स्क्वेयर अप्लाई कर देंगे आप और जहां से आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी, पुट करके क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के या मिड टर्म ब्रेक लगा के आपने फाइंड कर लेनी है b की वैल्यूज या a की वैल्यूज, उसमें आप पुट करें, दूसरी इक्वेशन में आपके पास सेम वैल्यूज आ रही है विच इज 2 and 18 and 18 and 2, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया, ठीक है, और 7 खुद करना है आप लोगों, ठीक है, इसमें क्या शो दैट अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर इज 4 एंड 8 इज ग्रेटर देन इज ज्योमेट्रिक मीन। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास क्या कह रहे हैं, इंसर्ट 4 ज्योमेट्रिक मीन, 9 में आपके पास क्या कह रहे हैं, इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन, 10 में क्या कह रहे हैं, इंसर्ट 4 ज्योमेट्रिक मीन, 11 में क्या कह रहे हैं, इंसर्ट 6 ज्योमेट्रिक मीन एंड सेम एज 12 में क्या कह रहे हैं, इंसर्ट 5 ज्योमेट्रिक मीन। बहुत इजी है, सेम टू सेम मेथड एंड 5 क्वेश्चंस का, इसमें से रैंडमली मैं कोई 2 or 3 क्वेश्चन करवाऊंगी आपको, जरा ध्यान से देखिएगा क्या करना है, सिंपल वही जो हम अपने प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं 3 and 4 में, क्या फाइंड करना था, 2 रियल नंबर फाइंड करने थे, 4 फाइंड करने थे, 6 फाइंड करने थे, इसमें आपके पास क्या आ रहा है कि इंसर्ट 4 ज्योमेट्रिक नंबर बिटवीन 160 and 5, तो आपने सीक्वेंस बना लिया 5 G1, G2, G3, G4 and 160, तो टोटल नंबर आपके पास कितना आ गया, 6 वो आपने लिख दिया, A1 आपके पास क्या आ गया और A6 आपके पास क्या आ गया, सिंपली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगा दिया विच इज an = ar(n-1) और R की वैल्यू फाइंड कर ली। R की वैल्यू फाइंड करने के बाद आपने सिंपली क्या कर लिया, इसमें वैल्यू पुट कर देनी है कि आपके पास G1 क्या आ रहा है, G2 क्या आ रहा है, G3, G4, तो रिक्वायर्ड सीक्वेंस आपके पास बन जाएगा 10, 20, 40 and 80। क्लियर, सेम एज इसमें क्या फाइंड करना था, G3 वैल्यू फाइंड करनी थी, सीक्वेंस बना लिया, 5 नंबर आ गए, 486 आ गया फर्स्ट नंबर, ठीक है, क्योंकि और लास्ट नंबर आपके पास क्या आ गया, 6 आ गया, सिंपली डिवाइड करके आपने R का सीक्वेंस फाइंड कर लिया विच इज 1/3। G1 फाइंड करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, AR1, G2 फाइंड करेंगे AR2, G3 फाइंड करेंगे AR3 एंड आपने जस्ट क्या करने थे, इंसर्ट 3 नंबर फाइंड करने थे, तो आपके पास सिंपल ये वैल्यूज आ जाएंगी और इसका सीक्वेंस आपके पास क्या बन जाएगा, 162, 54 and 18। बार बार बताते चलूं कि 7.5 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन आपका लाजमी आता है, बाकी अगर सेम मेथड है आपके पास, इंसर्ट 4 नंबर, सेम टू सेम आपने हर क्वेश्चन में यही करना है कि आपने पहले अरेंज करना है उनको, एन की वैल्यू फाइंड करनी है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, एक सिक्स की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फार्मूलाज में वैल्यू पुट करके अपने रेशो की वैल्यू फाइंड करनी है विच इज R = 4।
अगेन पे जब आर की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी, ए एन की वैल्यू आ जाएगी, तो आपने जस्ट क्या फाइंड करना है, ज्योमेट्रिक फोर रियल नंबर फाइंड करने हैं, विच इज जी वन, जी टू, जी थ्री एंड जी फोर। इसका सीक्वेंस आपके पास क्या आ रहा है, वन एवर टू, टू एट एंड 32 आर द रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक मीन। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 खुद करेंगे, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 दिखा रही हूँ। सिक्स नंबर फाइंड करें, टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, एट। एट कैसे होंगे कि आपको दो नंबर जो है वो गिवन भी होते हैं, ठीक है, एक 56 है और एक 7 ओवर 16 है, तो टोटल नंबर आपके पास हो गए 8, बिकॉज सिक्स फाइंड करने हैं, G1, G2, G3, G4, G5 एंड G6। सेम वही प्रोसीजर की वैल्यू लेके आपने रेशियो फाइंड कर ली और रेशियो आपके पास आ जाती है सिंपल 1 ओवर 2 के साथ, क्लियर। इसी को पुट करना है आपने G1 AR, G2 AR स्क्वायर, G3 AR क्यूब, G4 AR4, आपके पास रिक्वायर्ड सीक्वेंस मैं आपको बताऊंगा क्या बन रहा है, विच इज 28, 14, -7, 7/2, -7/2 एंड 7/8। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, इंसर्ट 5 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 32/81 एंड 9/2। खुद करना है आप लोगों ने, सीक्वेंस का खुद देखना है। बाकी जो है ये एक्सरसाइज एंड हो चुकी है, बार बार बता रही हूँ कि आपने जस्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला, अर्थमेटिक मीन का फार्मूला, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला एंड ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला, ये चीजें अगर आपकी फिंगर टिप्स पे होगी तो आपके पास 2 to 3 क्वेश्चन तो कंफर्म है जो आपके बोर्ड पैटर्न के लिहाज से सॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला फाइंड करना है, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन को मिक्स नहीं करना, ये प्लस में है और ये मल्टीप्लीकेशन में है, सेम एज इट इज, ये प्लस में है और ये मल्टीप्लीकेशन में है। अर्थमेटिक में आपके पास डिफरेंस आ रहा है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक मीन आपके पास रेशियो आ रही है विच इज आर। इन चीजों को माइंड में रखेंगे तो आपके पास जो भी फार्मूलाज हैं, क्वेश्चंस वगैरह हैं, वो इजीली आपके पास सॉल्व आउट हो जाएंगे। बाकी जो भी क्यूरीज हो, यू कैन आस्क फिल इन कमेंट्स। थैंक यू सो वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।